बिटकुल में चल रही ट्रांसफार्मर से संबंधित जांच को एक माह में पूरा कर दोषियों को चिन्हित करने के निर्देश ऊर्जा सचिव राधिका झा ने दिए हैं। ऊर्जा सचिव ने बताया है कि आईटीआई रुड़की की रिपोर्ट में ट्रांसफार्मर घोटाले का मामला सामने आया था। इसके साथ ही विभाग द्वारा आने वाले समय में ट्रांसफार्मर खरीद के दौरान केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही ट्रांसफार्मर की खरीद की जाएगी। वहीं ऊर्जा सचिव ने बताया कि इस घोटाले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, वो तो एक माह में एमडी पिटकुल बताएंगे कि जो प्रक्रिया की कमियां आईआईटी रुड़की ने बताए हैं उस समय उसमें कौन कौन से अधिकारी थे जिन्होंने उस प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं करा। इसके लिए बहुत कड़े निर्देश हम लोगों ने ऑलरेडी जारी करे हैं कि ट्रांसफार्मर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो उनका पीक्यू होता है यानी कि जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है और जो उनके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करा जाए, और केंद्र सरकार के जो अच्छे उपक्रम हैं और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं जिस तरह की क्वालिटी को फॉलो करने के लिए उन्हीं को हम पिटकुल में फॉलो कर, उनको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि जब हम वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो अपने आप गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है। एसीपी और पे मैट्रिक्स की विसंगतियों से नाराज बिजली कर्मचारियों को मनाने की शासन की एक और कोशिश नाकाम हुई है। ऊर्जा भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ नाराज बिजली कर्मचारियों की बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने आक्रोशित कर्मचारियों को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्राइम स्टोरी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वार्ता जो हमारी हुई है उसमें कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। कारण क्या है कि जो हमारे एमडीज हैं वही मध्यस्थता कर रहे हैं और हमें शासन में हमारी जैसे मुख्य सचिव से बात होनी चाहिए या हमारी गवर्नमेंट से बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इन ये जो एज मैसेंजर हमारे से बात करते हैं उससे हम बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं रखते, और जो हमारा कार्यक्रम है 5 तारीख से उस पर हम अडिग हैं, उस कार्यक्रम को हम निश्चित रूप से करेंगे। एस्पा लगाने से कुछ नहीं होता, हम 35 साल की सर्विस है हमारी, पता नहीं कितनी बार एस्मा लगा, कितनी बार जेल गए हैं, तो उस बात से हम डरने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से अगर एस्मा लगा है एस्मा का सामना करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जेल जाएंगे। हम बैठक में 10 मिनट का हमने समय लिया उनसे कि हम अपने आपस में वार्ता करेंगे। अभी तक हमारा ये स्टैंड है कि अगर एस्मा लगा दें या कुछ भी लगा दें हम जेल जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारी ये वाजिब हक है। मतलब इसके लिए हमें किसी से कोई पूछने वाली बात है नहीं कि हमें सरकार जो है इस तरीके से कोई बरगला लेगी। चेकिंग के दौरान 3 लड़के गिरफ्तार हुए जो एक मोबाइल लूट किए हुए थे, उनसे मोबाइल बरामद हुआ। ये लड़के मंगलौर और लक्सर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम मुकेश, दूसरे का अरविंद और तीसरे का विक्की है। इन तीनों लड़कों ने झबरेला थाना क्षेत्र की एक चोरी कबूल की और मंगलौर थाना क्षेत्र के भी एक मोबाइल लूट को और मंगलसूत्र लूट को इन्होंने अंजाम दिया, उसे भी कबूल किया।